मौजूद है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू भाई साहब। और शुरुआत यहीं से करते हैं राजेश भाई, कौन नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति इतना प्रेम लेकर दतिया में सक्रिय हुआ कि राजेंद्र भारती को भाजपा मय कर देने का उसका मन मचल गया, थोड़ा बताइए ना कैसा हुआ। देखिए ये तो हमारी समझ में वही लोग बता पाएंगे जो 20 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे जी, और उनसे बेहतर ये कोई नहीं समझता है कि उन्होंने अपनी पार्टी में अपने कितने ऐसे लोगों के साथ, नेताओं के साथ कैसे संबंध स्थापित किए हैं जिनके कारण आज उनके वही कद्दावर बड़े नेता उनको ऊपर से नीचे तक राजनीति में खत्म करना चाहते हैं। तो राजेश भाई थोड़ा ये बताइए, ये कांग्रेस में आज का आपका मनवन नहीं लग रहा है क्या भाई? भारतीय जनता पार्टी तभी किसी नेता पर यह कोशिश करती है जब वो देखती है कि इसका अपनी पार्टी में हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा गया है। चुनाव के दौरान आपका मामला गड़बड़ा गया था, हमें दिखाई दिया था, अवधेश जी को टिकट दे दी थी पार्टी ने। अभी तो आप चुनाव जीत गए, ठीक ठाक स्थिति में हो, विधायक हो, क्या ऐसा हो रहा है आपकी पार्टी में जिसके चलते भाजपाइयों को लग रहा है राजेंद्र भारती भाजपाई हो सकते हैं? नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है जी। हाईकमान ने हमको कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया और जनता ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद मध्य प्रदेश में किसी को नहीं थी जी, और उन लोगों को भी नहीं थी जो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन जनता ने उन लोगों को चुनाव हरा के ये साबित कर दिया कि अहंकार, भ्रष्टाचार और बेईमानी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती है। जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जानती है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वही अब इस बात को नहीं चाहते हैं कि जो लोग चुनाव हार गए हैं उनका बचा खुचा हुआ वजूद भी खत्म कर दिया जाए। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। नहीं, बात इतनी आसान है नहीं भाई। रामनिवास रावत को कुछ ना कुछ नाखुशी अपनी पार्टी को लेकर थी। नीटू सिकरवार की उम्मीदवारी के चलते रामनिवास रावत नाराज हुए, भाजपा ने दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने तो दीवारी ढा दी और भाजपा में हो गए। तो राजेंद्र भारती जी के संदर्भ में भी अगर प्रस्ताव आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ आग रही होगी जिसका धुआं देखकर भाजपाइयों ने आपके पास भी दस्तक दी है, थोड़ा बताओ तो सही। जीतू पटवारी से आपका ठीक मामला नहीं बन रहा, कमलनाथ जी परेशान कर रहे हैं, उमंग सिंगार आपके साथ में ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हुआ क्या है जिसके चलते भाजपाइयों को लगा अब राजेंद्र भारती भी भाजपाई हो सकते हैं? भारती जी का भाजपाई होने की उम्मीद क्यों बनी? वो उम्मीद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कारण या हमारे कारण नहीं है जी। वो उम्मीद जैसा मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया है, भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता और प्रदेश के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ही पराजित नेता को अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं, वो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, हमारे नेताओं के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध है, हमारे अच्छे संबंध है, उनकी तरफ से भी अच्छे संबंध है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता